हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो फाइनली यहाँ पे जो है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के लिए FOTA जो है आ चुका है, जो है 15 अक्टूबर का। और यहाँ आज हम जो है इस OTA अपडेट को जो है मैनुअली अपडेट करने वाले हैं हमारे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के लिए। तो आपको जो है एक फ़ाइल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो करीबन आपको 62 MB तक जो है देखने को मिल जाएंगी। और ये जो है 58 यूज़र्स के लिए है। अगर आपका फ़ोन पहले से अप टू डेट है और आप जो है अपडेट करना चाहते हैं 59 में, तो आप जो है इस फाइल से उसको जो है कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका फ़ोन 58 से नीचे है तो ये फ़ाइल वहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। तो यहाँ पे आपको जो है फ़ाइल को रीनेम करना है, लेकिन आपको रीनेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको फ़ाइल दी है ऑलरेडी वो रीनेम है, आपको जस्ट उसको डाउनलोड करना है और आपके फ़ोन के इंटरनल या फिर जो आपके एक्सटर्नल में उसको रख लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने उसको जो है रीनेम किया है और उसके बाद मैंने इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 59 वाला ये जो है FOTA आ चुका है, जो 62 MB का आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद मैं जो अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करूँगा, उससे पहले चलते हैं अबाउट में और देख लेते हैं यहाँ पे अबाउट में। तो आपको यहाँ पे 5 अगस्त का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है और 58 वाला आपको यहाँ पर जो है अपडेट जो है मैक्स प्रो M1 के लिए देखने को मिल रहा है, जो लास्ट टाइम हमने अपडेट किया था। अब जो है मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है डिडक्ट हो जाएंगी, सिस्टम फ़ाइल, और हम जो है उसको वहाँ पे जो है अपडेट कर लेंगे इस नए अपडेट से। तो फ़ोन यहाँ पे जो है हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। और गाइज़ ये अपडेट जो है सभी के लिए मिल जाएंगी, बट इतना है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से ये फ़ाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो 62 MB की आपको जो है मिल जाएंगी। और अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि इस अपडेट में जो है क्या चेंज लोग जो है देखने को मिल सकता है, बट मैं जो इसका फुल रिव्यू आप सभी के लिए लेके आऊँगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे फ़ाइल हमारी डिडक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि सिस्टम फाइल अपडेट यहाँ पे डिडक्ट हो चुकी है। हमें जस्ट इसको जो है टैप करना है और आप देख सकते हो 59 वाला यहाँ पर जो है यूज़र हमारा देखने को मिल रहा है, और हमें जो है इसको आप डायरेक्ट जो है ओके करके जो है अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है और ये मैनुअल अपडेट है, और इस अपडेट को करने में कोई भी परेशानी नहीं है। ना ही हमारे फ़ोन का यहाँ पे OTA ब्रेक होगा और ना ही हमें यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मुझे पूछते हैं कि इस अपडेट करने से हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आएंगी या नहीं आएंगी। तो गाइज़ बिल्कुल भी यहाँ पर हमारे फ़ोन में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आती है इस तरह से अपडेट करने में। बस इतना है कि हमें यहाँ पर इसको मैनुअल अपडेट करना होता है ताकि हम जो है इसको जल्दी से अपडेट कर लें। तो फ़ोन यहाँ पर हमारा अपडेट हो रहा है और अब हम जो है यहाँ पे इसको देखेंगे कि इसमें सिक्योरिटी पैच जो है हमें कौन सा जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो है बैचेस में रोल आउट होता है, तो अगर आपका 58 है या फिर उससे नीचे है तो आपको यहाँ पे जो है कुछ डिफरेंट साइज़ देखने को मिल सकती है इस अपडेट की। अदरवाइज़ अगर आपका फ़ोन यहाँ पर 58 पे है तो आपको जो है 62 MB तक जो है देखने को मिल जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आपको जो है एसुस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसके फुल ज़िप फाइल मिल जाएंगी, तो आप जो है डायरेक्ट वहाँ से भी इसको कर सकते हैं या फिर आप जो है OTA के लिए रुक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो है फुल डिटेल में एक रिव्यू लेके आऊँगा, जहाँ पे आप जान पाएंगे इस अपडेट में हमें जो है क्या कुछ नया जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है रात के करीबन 1 बज रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो ये अपडेट जो है 15 अक्टूबर को जो है देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब ये अक्टूबर में आई है तो हमें एक नया सिक्योरिटी पैच जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट जो है इसको अपडेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 यूज़र्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए भी अपडेट आ चुकी है। तो फ़ोन यहाँ पे हमारा जो है अपडेट हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अपडेट जो है फिनिश हो चुका है। तो अब हम जाएंगे अबाउट में और देख लेंगे यहाँ पे हमें जो है सिक्योरिटी पैच जो है कौन सा जो है देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं अबाउट में, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस फाइल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप जो है करना चाहते हैं तो बिंदास इसको कर सकते हैं। और साथ ही हम एक नया GCam जो है लेके आने वाले हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 या फिर M2 में जो है एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है क्या हम ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा 59 वाला और ये है हमारा अबाउट। जो चलते हैं अबाउट में, तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि 5 अक्टूबर का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो हमें मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है कि एक नया सिक्योरिटी पैच लेवल हमें मिल रहा है। और उसके बाद 59 वाला यहाँ पर हमें जो है बिल्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अप टू डेट है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के लिए। तो सारे ही फ़ोन में ये अपडेट जो है आपको मिल जाएंगी। और अभी यहाँ पे जो है शायद ये हमें फ़ाइल देखने को ना मिले एसुस की वेबसाइट पे, क्योंकि ये जो है किसी डेवलपर ने सेंड की है और ये जो है सभी तक पहुँच जाएंगी अगर
आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए, या फिर आप जो है वेट भी कर सकते हैं OTA के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होंगी, और अगर आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और आप जो है चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि मैं जो ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए लेके आते रहता हूँ। तो ये रही वो फाइल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।